अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा 10th क्लास इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर। ठीक है, अगर आपने पूरा साल तैयारी नहीं की तो आप लोग सिर्फ ये वाला पेपर याद कर लें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और हमने किस तरीके से जो है वो इतने इतने नंबर लिए हैं जो कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तमाम डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें ज़्यादा नंबर की हैं वो शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये समरी याद करनी है, ट्राई अगेन और तीरें। ठीक है, इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए जो है वो समरी पूछी जाएगी। ठीक है, 5 नंबर की समरी है, समरी लाजमी याद करें क्योंकि ये कन्फर्म है आपकी बुक में 3 समरी हैं उनमें से एक आनी है। ठीक है, गेस के अंदर मैंने आपको बता दी, आप लोग इन समरीज को अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद ऐसे है अ ट्रू मुस्लिम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन के हिसाब से आप पूछे जाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर ये देखें हॉकी मैच भी आ जाता है और क्रिकेट मैच भी आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें स्पोर्ट्स एंड गेम्स का है तो अगर आपने ये वाला याद किया हुआ है ना हॉकी मैच, तो आप लोग ये लिख लें इसके अंदर। इसी तरह अगर स्पोर्ट एंड गेम्स आया है तो अगर क्रिकेट मैच का याद किया हो आपने क्रिकेट मैच का लिखते हैं, अगर इनमें से हॉकी मैच का पूछता है तो हॉकी मैच वाला लिखते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें क्रिकेट मैच का पूछता है, आपने ये नहीं याद किया, आपने स्पोर्ट्स एंड गेम्स याद किया तो आप लोग ये वाला लिखें, लेकिन छोड़ के नहीं आना। ठीक है, कोई भी मजमून आ जाए पेपर में आपको छोड़ के नहीं आना, आपने ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आपने लाजम कर लेना है। उसके बाद ये कर्टिसी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई हाउस, माई हॉबी आर एनी डे। ठीक है, ये स्पोर्ट एंड गेम जो है ये यहाँ पे 2 दफ़ा आ चुका है, सो आप लोगों को लगे ना कि भाई बहुत ज़्यादा मजमून है। ठीक है, ये तकरीबन 6 मजमून है, इन्हीं में से आप लोगों के 3 या 6 के 6 जो हमें पूछ लिए जाएंगे, तो लाजमी तौर पर कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपने इनको अच्छे तरीके से करना है, इनके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ है, आपको पता है पैराग्राफ वाला पोर्शन जो है वो भी वहाँ पर होता है। ठीक है, अब विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अब विजिट टू हुआ ज़ू। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी आ जाता है तो आपने ये जो हिस्टोरिकल प्लेस वाला याद किया होगा ना तो ये लिख देना है। अगर फर्ज कर लें विजिट टू हिस्टोरिकल ज़ू आ गया लेकिन आपने याद तो किया हुआ है विजिट टू दी ज़ू, तो आपने इसकी जगह पर ज़ू वाला ही लिखा होना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद माई स्कूल, रोड एक्सीडेंट, पाकिस्तानी वूमेन और फैशन। ठीक है, तो भाई ये आ सकता है, लेकिन मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इनको याद करें, ये जो ऊपर बताए गए हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि ऐसे के अंदर नंबर आपको ज़्यादा मिलते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है 5 नंबर के। ठीक है, मजमून तो आप लोगों का होता है 15 नंबर का, अगर आप लोग ये याद कर लेते हो तो 14-15 नंबर आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये एक्टिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरे के पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आप लोग ये फर्ज कर लें ये जो पेपर है ये गेस्ट पेपर है ये लेना भी चाह रहे हैं, बाकी पेपर भी लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और इंशाल्लाह आपको ये पेपर जो है वो 200 फी के अंदर सेंड भी हो जाएगा। क्या ये व्हाट्सएप है इस नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, व्हाट्सएप पे, और इंशाल्लाह फिर आपको जो है ये पेपर जो है वो भी मिल जाएगा। सो उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपकी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता है 5 नंबर का आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आते सॉल्व करने तो मुझे बताइएगा, आई एम ट्राइंग के आप लोगों के साथ जो है वो अगली वीडियो के अंदर इनको भी शेयर कर दूँ। ठीक है, इनके आंसर्स वगैरह। उसके बाद है ये 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको जो है वो सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इनमें से 5 आएंगे। ठीक है, ये थोड़े से दिए हुए हैं, आप इनको लाजमी पढ़ लेना, यही आएंगे, 100% गारंटी है कि इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है पूछा जाएगा। उसके बाद है वालदैन की इज्जत करना, ये जो लास्ट पे पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आप लोगों ने जो है वो उर्दू को इंग्लिश में चेंज करना होता है। ठीक है, जैसे ये है वालदैन की इज्जत करना हमारा अखलाकी फ़र्ज है। ठीक है, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसी तरह ये अगला, ये नौजवान कायदे आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था, दिस यंग मैन केम टू किल। ठीक है, तो इस तरीके से आई एम रीडिंग 10th क्लास। ठीक है, तो भाई ये पूरे पैराग्राफ है, इन्हीं में से आपको इंशाल्लाह आएगा, आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये जो अभी यहाँ पर दिए गए हैं गैस पेपर के अंदर। इसी तरह आप जो ट्रांसलेशन है वो कौन से चैप्टरों की करनी है, वो क्या सिस्टम है सारा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन का सिस्टम जो है क्या है,
तो भाई यहाँ पे आप लोगों के हैं ऊपर क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। राइट ऑफ आंसर ऑफ द फाइव फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ कैन पीपल चीव परफेक्शन इन द मोरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स डिनर। वाई डू सम पीपल डू रीड मोर न्यूज पेपर। वट एडवाइस डिड द रसूल गिव टू हजरत अली। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़। विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़, ठीक है। वाई शुड लाइब्रेरीज बी स्टैब्लिश्ड वाइडली। हाउ इज न्यूज़ पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। ये सवाल आपको पता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन ये जो पेपर के अंदर दिए गए ना, आपने सिर्फ इनको याद करना है। बाकी गारंटी मैं आपको देता हूँ कि आप लोगों का पेपर इतना अच्छा आ जाएगा, हो जाएगा कि आप लोग जो है वो आप लोग खुश हो जाएंगे एक दफ़ा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू है। आपको पता है 9th के अंदर 3 ट्रांसलेशनें आती थी, आपने सिर्फ उनमें से 2 करनी थी। अब 10th के अंदर सीन उलट है, सिर्फ एक आनी है, आपने एक ही करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, मदीना के सरबराह की हैसियत से, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविजन इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये दी गई हैं यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन 10-12 हैं ये, इनको लाज़मी तौर पे पढ़ लीजिएगा और इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला जो है वो आप लोगों के लिए पूछी जाएगी। कितना गया भाई, ऊपर चला गया है, ठीक है, ज़्यादा हो चुका है। हाँ यहाँ से है, ठीक है। तो भाई ये एक ऐसा पेपर है, और सवालात वगैरह भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और बाकी चीज़ें भी शेयर कर दी हैं, और नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर तो आप लोग जो है वो इस पेपर को लेना चाह रहे हैं PDF में व्हाट्सएप पे। बाकी इंशाल्लाह जो जो आप पेपर कहेंगे वो आपको जो है वो अगली वीडियो के अंदर मिल भी जाएंगे। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और लाजमी तौर पर इंग्लिश के MCQs पढ़ लेना, क्योंकि इतना सारा याद करके आपको थोड़े नंबर मिलते हैं। इंग्लिश के 19 नंबर के MCQs लगा के 19 नंबर अगर पेपर उसी में से आ जाते हैं, तो इधर से एक दो चीज़ें करो, आप लोग जो है वो 30 नंबर ले आओगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे, और अच्छा अच्छा पेपर करके आना। पेपर के अंदर कोई चीज़ छोड़ के नहीं आती, जो चीज़ें आती होती हैं वो पहले करनी है, जो नहीं आती वो बाद में करनी है। बट डोंट लीव एनी थिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।